सबसे पहले हमने क्या किया, सारा फील्डवर्क कंप्लीट कर लिया। अब हमने गेस्ट हाउस टेबल बनाना है। गेस्ट हाउस टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब सारा गेस्ट हाउस टेबल बनाने के लिए हमने देखो ये सबको फिगर दिख रही है। हाँ जी देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये गेस्ट हाउस टेबल कहलाता है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट सारा न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट ओके न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले समझ लो गेस ट्रैवर्स टेबल क्या चीज क्या होती है। इसके अंदर ये 15 कॉलम बने होते हैं, ठीक है, ये 15 है ना, ये हाँ पंद्रह जी सबसे पहले स्टूडेंट अनवर राज, कन्वराज म्यूट करो अपने आप को, नहीं हटता। हेलो सरबजीत सिंह म्यूट करो, प्रेजेंट म्यूट करो। तो ये गैस सर्वर्स टेबल है। गैस सर्वर्स टेबल दिख रहा है सबको, इसके अंदर 15 कॉलम होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे हाँ जी सर पहले कॉलम में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन लिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन मतलब ए बी सी डी ई जैसे भी होता है। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद क्या हाँ करते हैं जी हम, उसके बाद हम एंगल का नाम लिखते हैं। अगर एंगल बी है तो एंगल ए बी सी, एंगल सी है तो बी सी डी, एंगल डी है तो सी डी ए, यहाँ पे एंगल का नाम लिखते हैं। ठीक है, ओके उसके बाद एंगल में अगर कोई करेक्शन आ रही है तो अप्लाई करते हैं। अगर सपोज कर लो आपके ट्रेवर्स का सम 2n-4 राइट एंगल के बराबर होना चाहिए, है ना, हाँ जी अगर वो बराबर नहीं आ रहा तो कितना उसमें करेक्शन लगानी है वो इधर लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है अब करेक्शन लगाने के बाद सही एंगल इधर लिखा जाता है, करेक्टेड एंगल्स में। ठीक है, ठीक है सर अब इस कॉलम में सारी लाइंस की होल सर्कल बेयरिंग्स लिखी जाती है, सारी के सर सारी की सारी की। ठीक है उसके बाद हम उन सारी होल सर्कल बेरिंग्स को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इधर लिखे जाते हैं, ठीक है सर इधर क्वाड्रेंट लिखा जाता है रिड्यूस्ड बेरिंग का। ठीक है, ओके सर इधर लाइन का नाम लिखा जाता है ए बी या बी सी या सी डी या डी ई या ई ए जो भी है। ठीक है, तो ठीक है सर इधर लाइन की लेंथ लिखी जाती है मीटरों में, ठीक है सर इधर पॉइंट लिखे जाते हैं ए बी सी डी ई, वही पॉइंट होते हैं जहाँ एंगल होते हैं, जब टेबल बनाओगे फिर पता लगेगा आपको। ठीक है उसके बाद ये देखो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे लैटिट्यूड्स होते हैं, यहाँ पे डिपार्चर होते हैं। ठीक है, ठीक है, लैटिट्यूड्स के अंदर देखो नॉर्थिंग होती है पॉजिटिव और साउथिंग होती है नेगेटिव, यहाँ पे सारी नॉर्थिंग्स लिखी जाती हैं, यहाँ साउथिंग्स लिखी जाती हैं। हाँ जी अब डिपार्चर में देखो ईस्टिंग होती है वेस्टिंग होती है, ईस्टिंग होती है पॉजिटिव, वेस्टिंग होती है नेगेटिव, यहाँ ईस्टिंग लिखी जाती है, यहाँ वेस्टिंग लिखी जाती है। ठीक हाँ जी है, अब ये सही नहीं होती, इनका अलजेब्रिक सम जीरो नहीं होता, तो उसको जीरो करने के लिए करेक्शन अप्लाई करी जाती है। करेक्शन पढ़ाई थी ना, जी वो करेक्शन जिस भी रूल से आपने अप्लाई करी है, बाउडेच या ट्रांजिट या थर्ड रूल, करेक्शन की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। नॉर्थिंग्स में सारी करेक्शन जो भी लगनी है यहाँ लिखी जाती है, ठीक है, साउथिंग में जो भी करेक्शन लगनी है यहाँ लिखी जाती है, ठीक है, ईस्टिंग में जो भी करेक्शन लगनी है यहाँ लिखी जाती है, वेस्टिंग में जो भी करेक्शन लगनी है यहाँ लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी अब वो करेक्शंस निकाल ली, उन करेक्शन को एक्चुअल लैटिट्यूड डिपार्चर में अप्लाई करने के बाद करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर वो अगले खानों में लिखे जाते हैं, करेक्टेड। ठीक है, करेक्टेड कंसेक्यूटिव जी कोऑर्डिनेट्स, सही वाले करेक्शन अप्लाई करने के बाद सही वाली नॉर्थिंग्स इधर लिखी जाती हैं, ठीक है, करेक्टेड, और सही वाली साउथिंग्स यहाँ लिखी जाती हैं, करेक्टेड ईस्टिंग्स यहाँ लिखी जाती हैं, करेक्टेड वेस्टिंग्स यहाँ लिखी जाती हैं। क्लियर, हाँ जी अब इन करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स, करेक्टेड लैटिट्यूड डिपार्चर से इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट बनाए जाते हैं जिसमें सिर्फ नॉर्थिंग आती है और ईस्टिंग आती है। ठीक है, हाँ जी नॉर्थिंग्स यहाँ लिखी जाती है, ईस्टिंग यहाँ लिखी जाती है। ठीक है, अब उस जी नॉर्थिंग और ईस्टिंग को यूज करके हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, थैले ट्रेवर्स बना देते हैं। ठीक है,
ठीक है सर। यहाँ पे रिमार्क्स लिख देते हैं कि हमने वर्नियर ट्रांजिट यूज करा, रेपिटेशन मेथड यूज करा, टेप स्टील टेप यूज करी, थर्ड लाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकंड था, वो सारे रिमार्क्स वगैरह यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये गेल्स ट्रैवर्स टेबल होता है, उसकी आउटलाइन होती है। ठीक है, ठीक है, आपने फील्ड वर्क कर लिया, कैलकुलेशन सारी गेल्स ट्रैवर्स टेबल में करनी है, जैसे जो फार्मूले कराए उन सबको यूज करते हुए, और लास्ट में नॉर्थिंग ईस्टिंग से थर्ड लाइट ट्रैवर्स प्लॉट कर देना, ग्राफ बना देना, ट्रैवर्स बना देना। ठीक है, ओके सर। ये सारा थर्ड लाइट ट्रैवर्सिंग होती है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब इसकी शीट कैसे बनती है, जैसे कंटूरिंग की शीट था वैसी इसकी शीट बनती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, शीट बना लेते हो, शीट के ऊपर दो दो सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ देते हो, ये लिखा है प्लॉटिंग का ट्रेवर्स, मतलब शीट के ऊपर गेटवे शीट होती है, ट्रेसिंग पेपर शीट होती है, दो दो सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ लेते हो, राइट साइड पे 15 सेंटीमीटर जगह छोड़ लेते हो, उसमें सारा कुछ बना देते हो, सैटेलाइट की फोटो बना देते हो, सर्वे की सारी डिटेल बना देते हो, कहाँ पर हुआ, किसने किया, टाइटल ब्लॉक बना देते हो, कब हुआ, वो सारा कुछ बन जाता है इसके अंदर। लेफ्ट साइड पे इसका ग्राफ बन जाता है, नीचे गेज ट्रेवर्स टेबल बनता है, और सारी कैलकुलेशन शो करी जाती है। ठीक है, ओके सर। ये सारी जो मैंने आपको समझाया हिंदी पंजाबी में, ये सारा फील्ड वर्क आपका प्रैक्टिकल भी इसके अंदर आता है, तो ये सारा जो है ये सारा यही चीज लिखी हुई है। क्लियर, हाँ जी। तो ये गेज ट्रेवर्स टेबल होता है। अब हम